हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक करोड़ मित्र यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस रेलवे के ट्विटर कैंपेन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या असर पड़ा है हमारी इस निकम्मी सरकार पर, क्योंकि हमें इसे निकम्मी कहना ही जायज़ है, क्योंकि स्टूडेंटों का जो दर्द ना समझ सके वो सरकार किस काम की है। ये चुनाव तो टाइम से करवा लेती है, लेकिन कोरोना को लेकर ये एग्ज़ाम्स को काफ़ी डिले कर रही है। तो दोस्तों, आज हम करते हैं इस ट्विटर कैंपेन के बारे में, जो आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ ट्विटर पर दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने अभी ट्वीट किया था और ये ट्वीट काफ़ी रीट्वीट हो चुका है। थोड़ी देर में 3:11 पर मैंने किया था और 543 लोगों ने रीट्वीट किया है इसे, और 105 ने लाइक भी किया है, और काफ़ी परेशान भी हैं लड़के। ये देखिए कैसे एग्ज़ाम होना ही चाहिए, और कैसे रोने वाले इमोजी लगा के इन्होंने भेजे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इसमें बहुत ही सहयोग रहा, आपको दिल से धन्यवाद। आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, देखा जाए तो। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंडिंग में हमारा ये देखिए फॉर यू में यहाँ पे सेकंड में दिखा रहा है। पहले पे तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, पहले पे तो ये है और दूसरे पे ये देखिए आप, ये वाला कंडक्ट RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम। यहाँ पर 581 के ट्वीट्स, यानी लगभग 600,000 ट्वीट हो चुके हैं, और बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इसको देखते हुए मुझे लगता है रेलवे का 2 या 3 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, ज़रूर आएगा, क्योंकि आखिर सरकार कब तक नहीं सुनेगी, एक ना एक दिन तो करवानी होगी इसे एग्ज़ाम। तो दोस्तों, ये था आज का ट्विटर का बहुत बढ़िया रहा कैंपेन, और इसमें यहाँ पे न्यूज़ में भी आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट वाला ही अपना ही चल रहा है न्यूज़ में भी, लेकिन सरकार निकम्मी है, इसको तो कुछ दिखता नहीं है ना। जी हाँ दोस्तों, वो क्या जाने स्टूडेंटों का दर्द। तो और जो दिखा देता हूँ, एक और है मेरे पास, कटिंग आई है राजस्थान ज़िले के गंगापुर शहर के एक छोटे से अखबार की है, 2 दिन पहले की है, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि वो शिक्षा विभाग के ग्रुप में आई थी, और उसे मैंने यहाँ पे मेरे पर्सनली ग्रुप में ककरोड़े मित्र ग्रुप में पब्लिश किया था। आप इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, रेलवे भर्ती जल्द जारी होगी, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तिथियां, 2 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी का इंतज़ार होगा ख़त्म। तो ये थी यहाँ पे टेलीग्राम पर शिक्षा विभाग समाचार, इसमें आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, ये मैं मानता हूँ, और आप ये देखिए पूरी पढ़ सकते हो इसको आप। जल्द जारी होगी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथियाँ, और यहाँ से आप देख सकते हो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर 1,00,000 से अधिक रिक्तियां की पर भर्ती के लिए पहले फेज की ऑनलाइन CBT 1 परीक्षाएं अगस्त में शुरू होनी है। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही पहले फेज के एग्ज़ाम की डिटेल्स जारी करने वाला है, जिसके बाद एग्ज़ाम सिटी, एंटीमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा पहले ही जानकारी के अनुसार RRB ग्रुप डी CBT 1 2021 एग्ज़ाम, RRB NTPC CBT 1 एग्ज़ाम के पूरे होने के फौरन बाद शुरू होने की, RRB NTPC 2021 एग्ज़ाम 31 जुलाई को पूरे हो चुके हैं। अब रेलवे बोर्ड ग्रुप डी भर्ती के लिए पहले भेज गए एग्ज़ाम के डेट्स जारी करेगा। तो यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखी है RRBCDG.government.in, तो इसको आप खोल सकते हैं। और ये गंगापुर का पेज है, गंगापुर सिटी का, ये देखिए आप, श्रीगंगानगर फाइटर न्यूज़पेपर का है, और ये पेज नंबर 2 पर है। तो दोस्तों, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, और आज का ट्विटर कैंपेन देखते हुए मुझे लगता है शायद मुश्किल से 2 या 3 दिन में ये ऑफिशियल न्यूज़ आने वाली है। तो दोस्तों, तैयारी करते रहो, और इस आंदोलन को आपने सफल आंदोलन बनाया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ऐसे ही ऑफिशियल न्यूज़ ज़रूर लाके आएँ।